गर्मा गर्म नूडल्स तैयार है। ला ला बेटा ला, जोरदार भूख लगी है, ला भाई ला। मन तो बहुत बढ़िया आ रही है टुकड़ा। दादाजी टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। नहीं बस बस बेटा, मैं पहले थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, एकदम से शुरू करें। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं दादाजी, चम्मच रख दीजिए। नूडल्स खाने का अपना ही एक तरीका है। ये चम्मच लीजिए, इसे ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे करके खाएंगे ना तो और भी मजा आएगा। ये लीजिए, लीजिए तो क्या ऐसे ना। Good evening, everyone. आइए आइए भविता जी, आइए आइए आइए। एकदम सही टाइम पे आए बबीता जी, आइए खाना खाने बैठ जाइए। नहीं नहीं, खाना ऑफर करने के लिए थैंक यू सो मच, पर आज मैं खाना खाने नहीं, कुछ खिलाने आई। अच्छा क्या? भापा दोई। भापा दोई, भापा दोई। आपने मिष्टी दोई तो खाया ही था ना? अरे कितना खाया, आपका ही खाया है। मतलब आपकी वजह से ही खाया है। जैसे मिष्टी दोई है तो ये भी वैसे ही एक टिपिकल बंगाली स्वीट डिश है। अच्छा। दूध को उबाल के गाढ़ा करके उसमें यू नो दही डाल के, काजू किशमिश बहुत सारी चीजें डाल के ना ये भापा दोई बनता है। सो दिस इज वेरी टिपिकल बंगाली डिश। ये लीजिए, ये स्पेशल मैं आप लोगों के लिए लाई। वाह वाह वाह। अरे दो दो, अरे एक बहुत हो जाएगा। अरे नहीं नहीं प्लीज एंजॉय कीजिए। वाह वाह बबीता जी, आपने तो हमारा खाना फिनिश कर दिया। अरे खाना फिनिश कर दिया मतलब? वो क्या है कि हम सबको खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने की आदत है ना, तो ये खाली नूडल थे तो जरा अधूरा अधूरा लग रहा था, तो अभी आपका दही आ गया। तो दही नहीं, दोई। यू हैव टू से इट करेक्टली, दोई। सर आपका दोई, भापा दोई, मीठा मीठा भापा दोई आ गया, तो अभी क्या है कि हमारे खाने का मस्त दी एंड होगा, है? नहीं बाबूजी? हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बबीता आंटी, आज नूडल्स मैंने बनाए, चखिए ना। हाँ हाँ, थोड़ा तो चखिए बबीता जी। नहीं ओके, मुझे भूख तो नहीं, पर क्योंकि तुमने बनाया तो मैं जरूर चखूंगी। दे 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 दे, टपू दे दे दे, ये कटोरा में दे। नाइस। बस बस बस, और नहीं और नहीं, बस बस। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ टेस्ट करना है, मुझे सिर्फ टेस्ट करना है। वाओ अमेजिंग। ये तुमने बनाया? यस आंटी। क्या बात है, इट्स अमेजिंग टप्पू। थैंक यू। अच्छा लगा? ऑफ कोर्स। अरे भाई दया का बेटा है ना, और दया साक्षात अन्नपूर्णा है, तो ये छोटी दया भी कुछ कम नहीं है। ओके थैंक यू सो मच, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे अरे बैठिए ना, खाइए ना थोड़ा और, इतना अच्छा लगा। नो नो नो, इट्स ओके, प्लीज आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ओके बाय बाय, सी यू गाइस। थैंक यू बबीता जी, भापा दोई के लिए। तो यस दोई। अरे आप खाना खाइए, इट्स ओके। अरे नहीं नहीं प्लीज। ओके बाय, सी यू। ओके थैंक यू। बबीता जी, भापा 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 दोई। बेटा मैंने दो तीन बार कोशिश की लेकिन मजा नहीं आ रहा है, मैं हाथ से खाऊं? हाँ बाबू जी, हाथ से खाई, मैं भी हाथ से ही खाता हूँ, मुझे भी सॉरी बेटा नहीं जम रहा है।
अभी पापा दोई पापा दोई वाह वाह लाओ कटोरी ला बेटा हाँ बहुत टेस्टी है पापा वाह अद्भुत जबरदस्त है बाबूजी बहुत बढ़िया वाह वाह बबीता जी मजा आ गया वाह मजा आ गया पप्पू बेटा आज तूने खाना बनाया ना तो मुझे पुराने दिन याद आ गए मैं जब तेरे जितना था ना तो हम सारे दोस्त मिलके खाना बनाते और फिर साथ में बैठ के खाते थे माऊ जी खेची धनजी सब याद आ गए तुझे पता है टपुड़ा तुम लोगों की जैसे टप्पू सेना है ना वैसे ही गांव में हमारी भी दोस्तों की एक टुकड़ी कहने को तो हम सिर्फ दोस्त थे लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार सगे भाइयों से भी ज्यादा एक दूसरे के लिए मर मिटते थे एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाते थे वो भी क्या दिन थे सच में दोस्ती का अपना ही एक अलग मजा है बेटा क्या हुआ कुछ नहीं अरे क्या हुआ बोल वो दादाजी आप अपने दोस्तों की बात कर रहे थे तो मुझे पिंकू की याद आ गई पिंकू आज बहुत टेंशन में लग रहा था और हमें बिना बताए कहीं चला गया और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला पता ही नहीं चला मतलब पापा पिंकू आज सुबह से गायब है क्या गायब है मतलब और तू ये सब अभी बता रहे हाँ दादाजी पहले मैं आपको बताने वाला था पर आपको भूख लगी थी और फिर वो पीएलएक्स वाली बात चल रही थी इसलिए मैंने आपको नहीं बताया तो क्या हुआ क्या हम सुबह कॉलेज पहुंचे तब से टेंशन चल रहा है हम सब अपने मम्मी पापा के बारे में बात कर रहे थे पर पिंकू कुछ बोल ही नहीं रहा था और हम सब ने अपने मम्मी पापा को आई लव यू का मैसेज भेजा हाँ तूने मुझे भी किया था मैंने जवाब भी भेजा था मिला कि नहीं हाँ पापा मिला था इनफैक्ट हम सबके मम्मी पापा का रिप्लाई आया सिर्फ पिंकू को ही नहीं आया और उसके बाद वो वॉशरूम का बहाना करके कहीं चला गया और फिर अभी तक उसका फोन बंद आ रहा है इसलिए बहुत टेंशन हो रहा है क्या हुआ होगा कि पिंकू को ऐसे चले जाना पड़ा वही तो पता नहीं दादाजी इसलिए तो हमने उसका घर ढूंढने की भी कोशिश की पर घर नहीं मिला इसलिए टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि सबसे पहले कॉलेज जाकर उसका एड्रेस निकलवाएंगे और उसके घर जाएंगे लेकिन बेटा अकेले मत जाना मैं भी तुम लोग के साथ आऊंगा पिंकू घर का लड़का है उसने क्यों किया ये जानना बहुत जरूरी हाँ दादाजी टप्पू 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 मैं एक मिनट आया सोनू हाँ क्या हुआ सोनू पिंकू का एड्रेस मिल गया है क्या कैसे वो सब मैं तुझे बाद में बताती हूँ तू पहले नीचे आ बाबा भी अभी आ रहे हैं हम पिंकू के घर जा रहे हैं अरे पर एड्रेस मिला कैसे वो मैं तुझे बताती हूँ तू पहले जल्दी नीचे आ तब तक मैं बाकी के लोगों को बुलाती हूँ दादाजी मैं आता हूँ अरे रुक कहाँ जा रहे
दादाजी सोनू को बिंगू का एड्रेस मिल गया। अच्छा? हाँ सोनू नीचे बुला रही है, भिड़ अंकल भी नीचे आ रहे हैं, मैं जाता हूँ। अरे रुक रुक, हम लोग भी तेरे साथ आते। चल 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 चलो चलो जल्दी चलते हैं। भोगी तुझे बोला तो एक बार टप्पू को आ जाने दे, फिर जाते हैं। सही बात है बेटा। सॉरी यार, जल्दी से पिंकू को मिलना है। हाँ हाँ, अच्छा हुआ एड्रेस मिल गया, बच्चे बेचारे सुबह से टेंशन में थे। ये गोगी ने तो मुझे घेर पे आके बताया, तब पता चला। ये ऐसे कैसे पिंकू अचानक चला गया? चला गया मतलब? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्या हो रहा है? अरे सब इधर ही हैं। तुम जल्दी आ गए? बबीता रास्ते में मेरे को जोड़ी मिल गया, इतने लिफ्ट दे दिया इसलिए जल्दी आ गया। वो की गला भाई, टप्पू से ना कोई गेम शेम खेलने वाली है? अरे नहीं पापा, गेम शेम नहीं, टेंशन वेंशन है। मतलब टेंशन था, अब लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। था लग रहा है, मतलब क्या टेंशन था? तुम लोग आने से पहले मैं यही पूछ रही थी कि प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है? पिंकू की कुछ बात है ना? हाँ। क्या हुआ भाई? पिंकू के एड्रेस का कुछ पता चला? पोपट अंकल, पिंकू का एड्रेस मिल गया है। क्या? हाँ, हम सब वही जा रहे हैं। अच्छा तो चलो चलो, मैं भी साथ में चलता हूँ। चलो चलो चलो। अरे सोनू, टप्पू कहाँ है? हाँ वो बस आ ही रहा है। अरे ये सब हो क्या रहा है, कोई बताइए ना कुछ। हाँ क्यों रहे यार, चलो 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 चलते हैं। अरे क्या चलो, हम लोग भी आ रहे भाई। भिड़े कल आप लोग बाद में ना, हम लोग जा रहे। सुनो तुझे एड्रेस पता है ना? हाँ, हाँ। चलो 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 चलो। अरे प्लीज अभी मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है पिंकू का? रुक आए चल ले। क्या हुआ? वो पिंकू सुबह से गायब हो गया बबीता जी। हाँ गायब हो गया मतलब? नहीं नहीं, क्या कुछ भी बोलो जेठालाल, गायब नहीं हुआ है बबीता जी। क्या हुआ, उसका सुबह से फोन बंद आ रहा है और उसका घर का एड्रेस मालूम नहीं था, तो अभी उसका एड्रेस मिल गया है तो उसके घर पर जाने की बात हो रही है बबीता जी। हाँ। अच्छा कहाँ से मिला एड्रेस? कहाँ से मिला एड्रेस भिड़ा? नहीं बताओ ना, तुम्हें मालूम है ना तो बताओ, ये भी बता दू। अरे का लान पोरा सर का रुस्तो है बाबा तू। तो घड़ी घड़ी बच्चे बोल बोल केम करे छे? ओ जाने दीजिए ना। नहीं नहीं माधवी भाभी, आप जाने दीजिए, अभी इसको बोलते कुछ फायदा नहीं है। आजकल इसको छोटी छोटी बात में गुस्सा करने की आदत पड़ गई है। आदत? और नहीं तो क्या। अभी बबीता जी ने पूछा तो तू बताया, मैं बताऊं, बात तो एक ही है ना। बात एक नहीं है जेठालाल, आज मैं बहुत अच्छे से बात को बता रहा था, लेकिन तुमने उसका बात कट करके बीच में जंप करके बबीता को बताने लगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मैंने कोई भीड़ा की बात काटी नहीं है, सॉरी। नहीं अय्या सही बोल रहे हैं जेठालाल, तुमने मेरी बात को काटा, वो भी दो बार। दो बार? हाँ, पहली बार जब मैंने वो बोला तब, और दूसरी बार जब। देखो अभी चाचा जी बात काट रहे। अरे भाई तेरी बात मैं काट नहीं रहा हूँ, तुझे डांट रहा हूँ। अभी किसने किसकी बात काटी, किसने नहीं काटी, अरे ये सब छोड़ो ना, ये कोई चर्चा करने का विषय है। अरे एड्रेस कैसे मिला, कहाँ से मिला वो बता ना। हाँ भाई जल्दी बताओ, पिंकू सुबह से गायब है। गायब नहीं आती भाई। हाँ हाँ पता है पता है, सुबह से उसका पता नहीं है। ये भी मुझे काट रहे हैं। ओ यारो ऐसी सारी गल्ला छोड़ो और मेरी जीप में बैठो, फटाफट पहुंचेंगे। हाँ बराबर है। ए ए उठ, ए ए, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं पहले ही बैठ जाता हूँ, बाद में जीप में जगह नहीं मिलती है। ये डिब्बा बिना जगह नहीं मिली, अरे क्या गाँव जाना है क्या? अरे बाजू में सोसाइटी है भाई, जीप से नहीं जाना है, चल के जा सकते है। अरे एड्रेस कहाँ से मिला वो तो बता पहले। हाँ देखो वो अभी बात काट रहा है, देखो। अरे बात नहीं काट रहा था भाई, छींक आ गई। वैसे क्या हुआ, ये घर पे आया ना माधवी? तू कौन? क्या हो गया इसको, तो कब से भूल ही नहीं रहे हैं आप, बोलिए ना जल्दी। हाँ बोलता हूँ, देखो बताता हूँ क्या हुआ। टप्पू से ना सुबह कॉलेज चली गई पिंकू का एड्रेस ढूंढने के लिए, और मैं घर आ गया। तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि पिंकू भले ही गोकुलधाम में ना रहता हो, लेकिन है तो गोकुलधाम का और टप्पू सेना का सदस्य ना, तो
ऐसे कैसे एड्रेस नहीं मिलेगा, मिलना ही चाहिए। तब मुझे याद आया कि उसके चाचा जी जब कनाडा शिफ्ट हुए थे तब वो मुझे वहां का फोन नंबर देकर गए थे। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, उसमें से नंबर ढूंढा, फोन लगाया और पिंकू का एड्रेस मिल गया। अरे वाह, परफेक्ट। अरे वाह 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 आत्माराम, क्या बात है, तुम एकदम इंटेलिजेंट। थैंक यू। वाह वाह बेटो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। गुड हाइजीनी मेहर छे, एड्रेस मिल गया। हां रोशन डार्लिंग, अपनी पूरी बात में पिंकू का पूरा नाम और असली नाम बताया नहीं। असली नाम मैं बताता हूं ना, मैं हूं ना। पिंकू का एक्चुअली पूरा नाम है पंकज और सरनेम है सहाय। पंकज सहाय। पंकज सहाय बोलो। हैं मम्मी दादी, ये पिंकू को सालों से हम जानते हैं, आज उसका असली नाम पता चला। पंकज सहाय, कोई सपने में भी सोच सकता था कि पिंकू का ऐसा नाम हो सकता है? एक्चुअली और भिड़े, उसका एड्रेस है क्या भाई? ये गुलमोर अपार्टमेंट, ए विंग 203-204, ये बाजू में ही है। गुलमोर अपार्टमेंट? हाँ हाँ, 203-204। हाँ, दो फ्लैट। हाँ, भी कनाडा वाली पार्टी है ना, तो गुलमोर सोसाइटी तो ये पास में ही है। हाँ। आगे से जाके राइट। अरे इसने तो बोला कि जीप पे जाने की जरूरत ही नहीं है, चल के जा सकते है। तो चलो यारो, वो पिंकू अपना ही बच्चा, वो कहीं चला गया है, जरूर कोई गाल होगी। हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ। चलो बाबूजी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, हम जाके आते हैं ना। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, क्या गुलमोर सोसाइटी बाजू में ही तो है, चल के जाना है, चल के आना है। चलो चलो जल्दी चलो, टप्पू सेना कब की आगे निकल गई। चलो हाँ चलो चलो चलो। हेलो। हाँ पिंकू बेटा, तुषार अंकल बोल रहा हूँ कनाडा से। अरे तुषार अंकल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ बेटा, बस कामकाज की भागदौड़ में फुर्सत नहीं मिल रही थी। और सुना कैसा है तू, घर पर सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अंकल, और घर पे भी सब ठीक है, आप बताइए। तेरा मोबाइल बंद आ रहा था। कब से ट्राई कर रहा था मैं, इसीलिए सोचा कि घर के नंबर पर फोन करता हूँ मैं। वो क्या है ना अंकल, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी तो फोन बंद हो गया था, इसीलिए फोन चार्ज पे लगाया। अच्छा अच्छा, तो पिंकू बेटा तुझे चॉकलेट्स मिली या नहीं? हाँ मिली ना अंकल, इनफैक्ट आज सुबह ही मैंने पूरी गोकुल नाम सोसाइटी को चॉकलेट्स खिलाई और सबको वो चॉकलेट्स पसंद आई और सब आपको याद भी कर रहे थे। भिड़े अंकल ने तो आपको हेलो भी बोला है। हाँ भिड़े जी, गोकुल नाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। हाँ अभी अभी आत्माराम जी का फोन आया था, इसीलिए तुझे फोन किया। भिड़े अंकल ने आपको फोन किया था, क्यों? तेरे घर का एड्रेस पूछ रहे थे वो। और आपने एड्रेस दे दिया अंकल? दे दिया मतलब, देना ही चाहिए ना, आत्माराम जी को कुछ काम होगा इसलिए तो एड्रेस मांग रहे थे। तो क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ अंकल सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकल मैं ना आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, ठीक है अंकल? अरे सुन तो सही बेटा, क्या हुआ अचानक, तू घबरा क्यों गया? नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं हुआ है। वो कह रहे किसी ने डोरबेल बजाई तो मैं देखता हूँ कौन है, ठीक है अंकल? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ और आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है अंकल। ओके, लेकिन याद से करना, हाँ भूल मत जाना। ओके अंकल, बाय बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। भिड़े अंकल को घर का एड्रेस मिल गया है और वो टप्पू सेना को बता देंगे, और मैं टप्पू को अच्छे से जानता हूँ, वो सबको लेकर यहाँ आएगा ही आएगा। मुझे उन्हें रोकना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूँ, कैसे रोकूं? मित्रों अंततः पिंकू के घर का एड्रेस मिल गया, बहुत बड़ी राहत की बात है टप्पू सेना और गोकुल धाम निवासियों के लिए। लेकिन ये राहत पिंकू के लिए आफत क्यों बनती जा रही है? वो क्यों नहीं चाहता कि गोकुल धाम निवासी पिंकू के घर आए? ऐसा क्या है जो पिंकू को लगता है गोकुल धाम निवासी देख लेंगे और वो नहीं चाहता कि वो इन्हें वो चीज दिखाए? ऐसी क्या बात है, बहुत बड़ा सवाल है भाई। एक गांठ खुलती है तो दूसरी गांठ बनती चली जाती है, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या मिलेगा? क्या इस राज से पर्दा हटेगा? भाई पिंकू इन सबको रोकने की फिराक है, लेकिन क्या वो इन्हें रोक पाएगा और क्या गोकुल धाम निवासी रुकेंगे? ये क्या है ये राज, कहीं ये राज हम सबके सामने आएगा या एक नई मुसीबत का आगाज होगा? ये तो तभी पता चलेगा जब सोमवार को आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।